जब तक हम सभी बचरी ग्रामीणों का मांग पूरी नहीं होगी तब तक अनशन नहीं टूटेगी। लिए हैं हम, मैं तो भूख हड़ताल पे हूँ। अच्छा, भूख हड़ताल पर आप भी हैं? हम 19 तारीख से समय 11 बजे से अनशन पे हम सभी बैठे हैं, जिसमें मैं भूख हड़ताल पे हूँ और मैं तब तक भूख हड़ताल पर रहूँगा जब तक ये हम लोग का मांग पूरी नहीं हो जाती, चाहे इसके लिए मुझे अपने जान को जलाना हो या हॉस्पिटल हो, माने आम दिनचर्या जो है उसमें भी बहुत कठिन से कठिन दम हो जाएगा। हमारे गाँव के पुरुष और महिला, बीजेपी के जिला युवा मोर्चा के जो है जिला उपाध्यक्ष हैं, तो आर स्थानीय सांसद आर के सिंह से नहीं मिले? रास्ता जो बंद कर रहे हैं उसके बदले में बाई अंडर पास सड़क दिया जाए। वो समस्या यही है कि हम सब बूढ़ा है या बच्चे हैं जो भी है, आने जाने के लिए रास्ता हम लोग को इसी रोड में चाहिए, नीचे से मिले या ऊपर से मिले। अगर वो सड़क बनाता है हम लोग को देता है जाने के लिए, तो उससे हम लोग को 3 से 4 किलोमीटर का दूरी तय करते हुए और फ्लाई ओवर के रास्ते हम लोग को शमशान घाट या छठ घाट, अस्पताल, बाजार, हर जगह। जब तक भाई अंडर पास सड़क नहीं बनेगा तब तक अनशन नहीं टूटेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। यहां दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं भोजपुर जिले के पीरू अनुमंडल में। जी हाँ दोस्तों, पीरू अनुमंडल में ही हम देखे यहाँ पर कि लगभग 3 दिन से यहाँ पर जो है धरना चल रहा है, वो भी अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। और देख सकते हैं दिनांक 19 जनवरी 2024 से पीरू रेलवे स्टेशन अंतर्गत बचरी रेलवे क्रॉसिंग गेट नंबर 28 के पास ग्राम बचरी के ग्रामीणों द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन। श्री आर के सिंह एवं रेलवे विभाग से मांगे यथावत सड़क जिस तरह से हैं या अंडर बाईपास बनाया जाए, इसका जिम्मेवार स्थानीय सांसद श्री आर के सिंह जी एवं रेलवे प्रशासन है। यह दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, ठीक हमारे बगल में एक बचरी गांव है, बचरी पंचायत है, यहां पर जाने के लिए जो है कि सड़क है बाई रेलवे क्रॉसिंग को पार करके लोग जाते हैं, तो इस क्रॉसिंग को जो है बंद करा जा रहा है। वैसे में इसके लिए जो है जो कि स्थानीय लोग हैं जो कि यहाँ पर धरना अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं, आइए हम लोग बात करते हैं इन लोगों का क्या चाह है, क्या इच्छा है, ये धरना प्रदर्शन आखिर क्यों चला रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद परसुमित लाइव न्यूज़, आप हम सभी को आवाज़ के जो है सुन करके आप आए हम सभी के सहयोग में। इतने कड़ाके के ठंड में ये धरना क्यों आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए सर, हम सभी का जो मांग है, जो वर्षों से हम सभी बचरी ग्रामीणों का जो सड़क है जिससे हम सभी चलते चलते शिक्षा प्राप्त किए और इतना उम्र हो गया, हमारे सभी गार्जियन और माताएं भी बैठी हैं, उस सड़क को रेलवे विभाग के द्वारा मुगल सराय DRM के अंतर्गत बंद करने का प्रयास किया जा रहा है और सुनने में आया कि कोर्ट का आदेश है, तो ठीक है बंद किया जाए, लेकिन हम लोग को रास्ता जो बंद कर रहे हैं उसके बदले में बाई अंडर पास सड़क दिया जाए, जिससे कि अभी हम लोग वर्तमान में जिस सड़क से अपने छठ घाट, शमशान घाट, बाजार, अस्पताल एवं हमारी गांव के बच्चे छात्राएं जो हैं स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, उनको अभी छठ घाट, शमशान घाट जाने में 500 मीटर की दूरी तय करना होता है और मार्केट और अनेकों दिनचर्या तय करने के लिए सिर्फ 1 किलोमीटर का दूरी तय करना होता है, और जब रेलवे विभाग द्वारा इस सड़क को बंद करके और रेलवे लाइन के साइड से न्यू सड़क बनाने का काम किया जा रहा था रेलवे द्वारा, जिसे हम सभी ने विरोध करके आवेदन देकर रोक दिए हैं, अगर वो सड़क बनाता है हम लोग को देता है जाने के लिए, तो उससे हम लोग को 3 से 4 किलोमीटर का दूरी तय करते हुए और फ्लाई ओवर के रास्ते हम लोग को शमशान घाट या छठ घाट, अस्पताल, बाजार, हर जगह अनेकों दिनचर्या तय करना होगा। आप समझ सकते हैं कि छठ पूजा में माथ पर दौरा लेकर, जो भोजपुरी में बोला जाता है माथ पर दौरा लेकर, आप 2 किलोमीटर जाइए, फिर आधा किलोमीटर आगे जाइए, फिर करीब 500-700 मीटर जो फ्लाई ओवर है उस पर चढ़िए, ऊपर जाइए, ये कितना कठिनतम होगा। क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग यही चाहते हैं कि या तो हम लोग का जो सड़क है यथावत रखा जाए जिस तरह से वर्तमान में है, ये बहुत अति उत्तम होगा, बहुत सुंदर होगा। इसके लिए हम सभी ग्रामीण रेलवे प्रशासन पदाधिकारी एवं अधिकारी और स्थानीय सांसद का भी आभारी रहेंगे। अगर बंद करते हैं तो बाई अंडर पास सड़क दिया जाए जिससे हम सभी ग्रामीणों का दिनचर्या जो है
कठिनतम होने से बचे, हम सभी कष्ट में जाने से बचे, हम सभी बहुत पीड़ा में हैं, बहुत दुखी हैं। अच्छा ये बताइएगा भैया, आप बीजेपी के जिला युवा मोर्चा के जो है जिला उपाध्यक्ष हैं, तो आर स्थानीय सांसद आर के सिंह से नहीं मिले आप यहाँ पर? स्थानीय सांसद आर के सिंह जी से, जब आर के सिंह जी ग्राम भैरोडी में जो चरपोखरी के पास है वहाँ पर हम सभी ग्रामीण ने सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा से जा करके इस ठंड में मिले थे और लिखित आवेदन दिए। क्या बोले? तो आर के सिंह बोले कि ठीक है रास्ता बंद नहीं होगा। फिर 10 दिन हुआ तो यहाँ पर काम जारी हो गया अपना, वो नया सड़क बनाने का, बंद करने का सड़क ये वो। फिर हम सभी ग्रामीणों ने एक मीटिंग की है जिसमें ग्रामीणों का निर्णय था कि सरवण जी आप दिल्ली जाइए। हम दिल्ली गए, श्रम शक्ति भवन में मिले माननीय मंत्री श्री आर के सिंह जी से, वहाँ भी लिखित आवेदन दिए, फोटो है मेरे पास, सारा चीज़ प्रूफ है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मंत्री जी बोले कि DRM सर को हम बोल दिए हैं सड़क बंद नहीं होगा। बोले ठीक है सर। फिर हम वहाँ से चले आए, फिर 1 सप्ताह 10 दिन जब हुआ फिर यहाँ पर वही तामझाम। बताइए सर कि हर मतलब सालों भर हम सभी ग्रामीण मजदूर किसान यहाँ मतलब रखवारी करने के लिए बैठे हैं कि कब रेलवे आएगा, विभाग कब सड़क बंद करेगा, क्या करेगा, और कोई तो काम है ना, खेती है, मजदूरी है, बच्चों का पढ़ाई है, बहुत सारा काम है। तो इसलिए हर जगह से लाचार परेशान होकर विवश होकर हम सभी ये 4000 आबादी वाले जो ग्रामीण हैं बचरी के अनशन का निर्णय लिए हैं। हम मैं तो भूख हड़ताल पे हूँ। अच्छा, भूख हड़ताल पर आप भी हैं? हम 19 तारीख से समय 11 बजे से अनशन पे हम सभी बैठे हैं, जिसमें मैं भूख हड़ताल पे हूँ और मैं तब तक भूख हड़ताल पर रहूँगा जब तक ये हम लोग का मांग पूरी नहीं हो जाती, चाहे इसके लिए मुझे अपने जान क्यों न गंवानी पड़े। तीसरा दिन है आज? आज तीसरा दिन है। कुछ खाए पिए कुछ नहीं है? कुछ नहीं। कोई आया है प्रशासन वगैरह कोई? अभी तक ना ही कोई प्रशासनिक पदाधिकारी, ना ही कोई नेता, ना ही कोई डॉक्टर, कोई सुध लेने नहीं आए हैं कि इस अनशन में कौन मर गया कौन जिंदा है, किसी को कोई चिंता नहीं है। काफी लोग आपको आपके साथ डटे हुए हैं, पीछे भी महिलाएं, बुजुर्ग लोग भी हैं, युवा लोग भी, क्योंकि सभी को इस रास्ता से लाभ है, इस सड़क से लाभ है, सभी को आना जाना है, सभी के बच्चे बच्चिया को शिक्षा प्राप्त करना है इसी सड़क से जा करके। इसलिए और सभी हमारी माताएं बहने हैं, हमारी ग्रामीण जनता है, सभी लोग बैठे हुए हैं और तब तक बैठेंगे जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती। आप पूछ सकते हैं। मेरा नाम गोविंद जी राय है, मैं बचरी पंचायत का सरपंच हूँ। अच्छा, सरपंच है यहाँ के? जी अच्छा, जी अच्छा। तो हम लोग का जो मांग है कोई विशेष नहीं है, जो आम ही मांग है। आरा और सासाराम जो बड़ी रेल लाइन है, सभी ग्रामीण पथों में जिस तरह से बाई अंडर पास दिया है रेलवे विभाग ने, उसी प्रकार से हमको चाहिए, अलग से कोई हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं। यह जो रास्ता है 100 वर्ष पुराना है, बहुत बड़ा गांव है, गांव के साथ साथ पंचायत भी है, 4000 आबादी वाला गांव है। इस रेलवे लाइन में हम लोग का बहुत जमीन भी गया है। अब हम लोग का जो जमीन है कुछ इस पार हो गया, बीचे बीचे तो फाड़ दिया, कुछ उस पार हो गया। अगर हमको खेत जोतना पड़ेगा, जिस तरह से रेलवे लाइन ने रोड का सर्वे किया है, तो अब 4 किलोमीटर दूरी तय करेंगे, वहां से फिर रेलवे ट्रैक से जाकर के ऊपर ब्रिज चढ़ेंगे, इब्राहिमपुर मोड़ पर जाएंगे, और उस मोड़ से होते हुए फिर बचरी गाँव के इस पुराने सड़क पर आकर के तो फिर यहाँ पर खेती बधारी करेंगे, तो फिर बोझा 4-5 किलोमीटर दूर ले जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग का जो दिनचर्या है आम दिनचर्या है, माने बाजार और स्कूल शिक्षा की बात है, या शौच जलाना हो या हॉस्पिटल हो, माने आम दिनचर्या जो है उसमें भी बहुत कठिन से कठिनतम हो जाएगा। हमारे गाँव के पुरुष और महिला तटस्थ हैं, या श्रवण कुमार जो भाजपा के जो लीडर हैं अनशन पर है, भूख हड़ताल पर है, तब तक ये भूख हड़ताल पर रहेंगे जब तक यहाँ पर हम लोग का लिखित कोई आश्वासन नहीं मिल जाता। एक बार आपको रेलवे विभाग ने आया था रास्ता बनाने के लिए, RPF के साथ, पूरा फौज के साथ, पूरे ग्रामीण हम लोग 500 करीब बैठ गए थे, पेपर में भी निकला हुआ था कि भाई आप हमारे सर पर चढ़ा कर ले जाइए। हर थक लोग को जाना पड़ा, लोगों ने कहा कि DM और DRM साहब को एक आप लेटर से अवगत कराइए और वो लोग बोल देंगे, तो ये हम लोग बाई अंडर पास या था और छोड़ देंगे। तो हम लोग यही डिमांड किया तो बाई अंडर पास दे दें, और नहीं तो अगर नहीं बनने लायक की स्थिति में है तो जिस तरह से है वर्तमान में सुरक्षा गार्डों के साथ, उसी प्रकार से इस चीज़ को आप छोड़ दें, बैरियर अपना लगाते रहेंगे, हम लोग आते जाते रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अगर इस तरह से नहीं है तो आप बाई अंडर पास दे दीजिए, क्योंकि यह जो रोड है यह सर्वे में है, यह नक्शा में है,
100 वर्ष पुराना रोड है और किसी को इस रोड को बंद करने का सरकार का हक नहीं बनता है, जो कि 4 से 5 किलोमीटर की दूरी हम लोग बेवजह और व्यर्थ दूरी तय करें। इसलिए हम सभी लोग से यही आग्रह है, शांतिपूर्वक हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अनशन कर रहे हैं, कहीं भी सरकारी काम में किसी को हम लोग बाधा न डालें, न हम लोग डालेंगे। जी बिल्कुल, देख सकते हैं जो कि 100 साल पुराना जो है सड़क है, जो कि आज जो है रेलवे के माध्यम से इसको बंद करने का जो है आदेश आया है जबरदस्ती। जी क्या नाम है बाबा, क्या नाम है आपका? तारू राव। अरे इतने कड़ाके के ठंड में भी आप बैठे हुए हैं इस धरने में, क्या कहेंगे, क्या समस्या हो रहा है ये सड़क बंद? हमको समस्या यही है कि हम सब बूढ़ा है या बच्चे है या जो भी है, आने जाने के लिए रास्ता हम लोग को इसी रोड में चाहिए, नीचे से मिले या ऊपर से मिले, लेकिन इसी रोड में हम लोग लेंगे, क्योंकि हम लोग का खेत गया है, आज का नहीं बहुत दादा का दादा थे उस समय से रोड है। पूरा समस्या होगा बंद हो जाएगा तो रोड, तो रोड बंद हो जाएगा तो समस्या होगा पूरा, भारी समस्या हो जाएगा।